दोस्तों कहानी शुरू होती है हॉस्पिटल से, जहां हम भड़वा बैंगन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने बाप के पास खड़ा है और उसका बाप राम को प्यारा होने वाला है। लेकिन मरते मरते उसका बाप उसे अपना राम बाण दे जाता है, कहता है मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि मैंने तेरी माँ से शादी की और तुम मुझे वचन दो कि तुम कभी भी किसी लड़की के प्यार में नहीं पड़ोगे और तुम हमेशा चिकनी लोंडियों के खेत में ही जेसीबी चलाओगे। आगे बहुत सारा समय बीत जाता है और भड़वा बैंगन बड़ा हो जाता है जो कि अपने बाप के कहे हुए शब्दों पर ही चल रहा है। वो रोज क्लब में जाता है और हमेशा चिकनी लोंडियों की तलाश में रहता है, लेकिन कोई भी सुंदर लड़की उसे भाव नहीं देती क्योंकि उसका कद छोटा है और वो देखने में भी मोटा है, जिसके साथ साथ वो बातें भी वाहियात करता है बिल्कुल मेरी तरह। वो अपने दोस्त से मिलता है जिसका नाम है बैकबोन और वो भी भड़वे बैंगन की तरह है, जिनको सिर्फ लड़कियों के शरीर से अट्रैक्शन होती है और इन दोनों को लड़की की आंतरिक सुंदरता से कोई मतलब नहीं। अब मुझे पता नहीं मैं इन दोनों को दोस्त क्यों दे रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम में तो सभी ऐसे हैं। तभी भड़वा बैंगन अपने दोस्त बैकबोन से कहता है कि उसने अपनी पड़ोसन लड़की जिसका नाम बिल है उसको फंसाने का काम शुरू कर दिया है और कुछ ही दिनों में वो उसको बजा भी देगा। आगे पार्टी के बाद वो बिल से मिलता है जो कि उसके साथ रिलेशनशिप में आने से मना कर देती है, लेकिन भड़वा बैंगन नहीं मानता तो वो उसे बार बार तेल लगाने की कोशिश करता है, बोले तो सेकंड डेट पर चलने के लिए बोलता है। बिल उसे कहती है मुझे तुम्हें देखकर कोई आकर्षण फील नहीं होता जो कि मुझे दूसरों को देखकर फील होता है, तुम्हें देखकर तो मैं और भी ज्यादा ठंडी हो जाती हूँ, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो अपने ऑफिस पहुँचता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि जिस प्रमोशन के लिए वो पिछले 2 सालों से अपने घिसवा रहा था उसे वो आज मिलने वाला था, लेकिन उसका टीम मैनेजर उसको प्रमोशन देने की बजाय किसी और को प्रमोशन दे देता है, जिसके बाद वो अपनी सड़ी शक्ल के साथ लिफ्ट में होता है जहाँ उसे एक चंडमुंड मिलता है, बोले तो एक लाइफ कोच मिलता है, जहाँ वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी अचानक से लिफ्ट की घिसलंडी बन जाती है, बोले तो वो खराब हो जाती है, जिसमें उनको काफी समय तक रहना पड़ता है जिस दौरान वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पाते हैं, जिसमें चंडमुंड को पता चलता है कि भड़वा बैंगन एक छोटी सोच वाला आदमी है जो कि सिर्फ लड़कियों के बदन पर मरता है। इसीलिए वो उसे एक एडवाइस देता है कि उसे लड़कियों के अंगों से नहीं उसकी आत्मा से प्यार करना चाहिए और उस पर अपनी ब्लू आईज हिप्नोटाइज वाली पावर यूज करता है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। कुछ देर बाद वो अपने ऑफिस के बाहर आता है जहाँ उसे घटिया दिखने वाली लड़की भी अब सुंदर दिखने लगती है। वहाँ कैब के इंतजार में खड़ी हुई उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम है दत्तोरानी, जो कि उसको खूबसूरती के मामले में अपरंपार लगती है। वो एक कैब रुकवाते हैं और उसे शेयर करते हैं, जिसमें पूरे रास्ते भड़वा बैंगन उसको पटाने की कोशिश करता है और उसे घूर घूर कर देखता है क्योंकि वो इतनी खूबसूरत जो थी, जिसके बाद वो दोनों एक ही जगह उतर जाते हैं जहाँ भड़वा बैंगन उससे उसका फोन नंबर मांगता है। दत्तोरानी कुछ आनाकानी करती है पर आखिरकार वो उसे अपना फोन नंबर दे ही देती है। आगे हमेशा की तरह वो अपने दोस्त बैकबोन के साथ क्लब जाता है लड़कियों के साथ ऐश करने, जिस दौरान बैकबोन मूतने बाथरूम चला जाता है और वापस आकर भड़वे बैंगन को ढूंढता है जो कि डांस स्टेज पर लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। लेकिन यहाँ कुछ अजीब था क्योंकि वो लड़कियाँ भड़वे बैंगन के लेवल की नहीं थी, पर भड़वे बैंगन को तो वो लड़कियाँ हॉट और सेक्सी और बिल्कुल मालोमाल लग रही थी क्योंकि उस लाइफ कोच ने उसके ऊपर अपना ब्लू आईज हिप्नोटाइज जो किया था, जिसके कारण उसको बदसूरत लड़कियाँ भी खूबसूरत दिखने लगती है। बैकबोन उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है लेकिन भड़वा बैंगन उसे कहता है नहीं यार, मैं यहाँ चिकनियों के साथ डांस कर रहा हूँ। बैकबोन कहता है चिकनी? एक बफेलो और एक जिराफ को तुम चिकनी बोल रहे हो? भड़वा फिर से लड़कियों की तरफ देखता है और कहता है बैंचो, तुझे वो भैंस और जिराफ कहाँ से लग रही है? अगले दिन वो अपनी कार से कहीं जा रहा होता है, तभी उसकी नजर एक पटाखा पर पड़ती है तो वो उसके पीछे जाता है जिसका नाम रोज मेरी है। बैंचो डायरेक्टर मार्लो और लगा देता, पीछे रोज मेरी मार्लो हो जाता, क्योंकि असलियत में रोज मेरी कोई लड़की नहीं दरियाई घोड़ा थी जो कि अपने लिए मॉल में कच्ची खरीदने आई है, परंतु अपने भड़वे बैंगन को वो दरियाई घोड़ा हॉट और सेक्सी दिखाई देती है। तो वो उसके पास जाता है और उसकी कच्ची का साइज देखकर बोलता है क्या तुम पैराशूट बनाना चाहती हो, क्योंकि वो तुम्हारे साइज से बहुत ज्यादा बड़ी है, जिसके बाद वो उसके साथ हंसी मजाक करके उससे घुलने मिलने की कोशिश करता है और उसको पटाने की भी। वो उसकी जमकर तारीफ करता है जिस पर रोज मेरी मार्लो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है क्योंकि उस दरियाई घोड़े को तारीफें हजम नहीं होती। भड़वा उससे बार बार रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां पर वो एक दूसरे के बारे में और जानते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि रोज मेरी का बहुत बड़ा दिल है क्योंकि वो एक्सीडेंटल केस वाले बच्चों की बहुत मदद करती है। तभी वहां पर ऑर्डर लेने के लिए छोटू आता है, रोज मेरी ऑर्डर लिखवाती है डबल पिज्जा बर्गर चिली फ्राइज विद चीज और लार्ज चॉकलेट मिल्क शेक। अब इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर बैंगन की फटी रह जाती है, वो सोचता है कि ये पतली सी लड़की इतना सारा खाना कहां डालेगी, लेकिन बेचारा असलियत से बहुत दूर था। यहां उसे ये भी पता चलता है कि जिस कंपनी में वो काम करता है रोज मेरी उसके प्रेसिडेंट की बेटी है, लेकिन तभी वो होता है जो कि एक आम लड़की के वजन से होना पॉसिबल
पॉसिबल नहीं था। बोले तो कुर्सी चौपट हो जाती है और रोज मेरी नीचे गिर जाती है। जिस पर भड़वे बैंगन को लगता है कि कुर्सी में ही शायद कोई कमी थी, इसीलिए वो होटल के स्टाफ को बुलाता है और उन्हें अच्छे से धमकाता है। कहता है, सालों कुछ पैसे इन कुर्सियों पर भी खर्च कर लो, सारे के सारे जेब में ही डालोगे। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ होटल के बाहर वो रोज मेरी से डेट के लिए पूछता है, जिस पर वो खुश हो जाती है कि चलो कोई तो मिला मेरी टांगे उठाने वाला। अगले दिन वो अपने दोस्त बैकबोन को रोज मेरी से मिलवाने खेतों में जाता है। बैकबोन पूछता है, कहाँ है वो? बैंगन कहता है, वो देखो वो आ रही पिंकी, बहुत खूबसूरत है ना। बैकबोन पूछता है, क्या वो उस दरियाई घोड़े के पीछे है? वो कहता है, नहीं। तब तक रोज मेरी वहाँ पहुँच जाती है, जिसे देखकर बैकबोन का मुंह पिछवाड़े की तरह खुला का खुला रह जाता है कि बहनचोद उसका दोस्त ये किस खुले सांड को डेट कर रहा है। तभी रोज मेरी के फोन पर उसकी मोम की कॉल आती है, तो वो थोड़ा सा साइड में आ जाती है। बैकबोन अपने दोस्त को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि भाई वो तेरे लेवल की नहीं है, लेकिन बैंगन को झाट भी समझ में नहीं आता, क्योंकि रोज मेरी तो उसको दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिखाई दे रही थी। आगे रोज मेरी उसे एक्सीडेंटल बच्चों से मिलवाने ले जाती है, जिनकी वो देखभाल किया करती थी। जिन बच्चों से मिलकर भड़वा बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे सचमुच बहुत प्यारे थे। जहाँ पर वो एक बच्ची से मिलता है जिसका नाम कैंडेस है, और उसे अपनी गोद में उठाता है और उसके साथ खूब खेलता है, जो देखकर रोजमेरी भी बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है, तुम इन बच्चों से बिल्कुल भी नहीं डरे, और ये चीज बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, जो कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। बैंगन रोज की बात सुनकर थोड़ा सा भौचक्का हो जाता है और सोचता है कि भला इतने प्यारे बच्चों से कौन डरेगा। जिसके बाद रात में वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन वो दोनों डेट पर जाते हैं, जहाँ पर वो एक 20 लीटर के गिलास को चॉकलेट मिल्क शेक से भरवाते हैं, जिस गिलास को अकेली रोजमेरी ही पी जाती है। आगे वो पानी में छपछप करने एक झील में जाते हैं, जिसमें रोजमेरी जहाँ पर बैठी है नाव वहाँ से झुकी हुई है और अपना बैंगन पीछे से उठा हुआ है, और ऐसे ही धीरे धीरे करके वो दोनों प्यार में आ जाते हैं। एक दिन रोजमेरी उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ पर वो भड़वे को अपने बाप से मिलवाती है, जो कि उसकी कंपनी का प्रेसिडेंट है, जिनसे मिलकर वो थोड़ा सा डरा हुआ फील कर रहा था। सभी लोग साथ में डिनर करते हैं, और जब टेबल पर रोजमेरी का पिता और भड़वा बैंगन था, तब पिता उससे कहता है कि तुम अपने प्रमोशन के लिए मेरी बेटी को यूज कर रहे हो और उससे प्यार का नाटक कर रहे हो। जिस बात पर भड़वा थोड़ा सा बिगड़ जाता है और कहता है, ऐसा बोलकर तुम मुझे हर्ट नहीं कर रहे, अपनी बेटी को हर्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम अपनी बेटी को सुंदर नहीं मानते और इसी वजह से वो अपने आप को सुंदर नहीं मानती, जबकि वो लाखों में एक है। और ये सुनकर उसका बाप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी बेटी की तरफ देखता है। आगे भड़वा उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ रास्ते में वो थोड़ा सा डरा हुआ फील करती है अपनी बॉडी के चलते, लेकिन भड़वा उसे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की के जैसे ट्रीट करता है, क्योंकि उसे तो वो वही दिखाई दे रही थी जहाँ वो दोनों एक साथ एक रात खूब दबाकर पलंग तोड़ मजदूरी करते हैं। सुबह भड़वे बैंगन की पड़ोसन बिल लोभी में देखती है कि एक जानवर बस चला जा रहा है और चला जा रहा है, जो कि भड़वे के रूम से निकला था, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि पूरी रात क्या हुआ होगा। हम बैकबोन को देखते हैं, जिसकी पूरी की पूरी जली पड़ी थी, क्योंकि उसका इकलौता दोस्त एक मोटी लड़की के साथ प्यार में पड़ चुका था, और उसके लाख समझाने पर भी उसको झाट भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो किसी तरह से उस चंडमुंडू लाइफ कोच को ढूंढ लेता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे दोस्त भड़वे के साथ क्या किया है, लेकिन चंडमुंडू उसको कुछ नहीं बताता, जिस पर बैकबोन उससे कहता है कि मुझे सिर्फ मेरा दोस्त वापस चाहिए, तो प्लीज मुझे बताओ कि तुमने उसके साथ क्या किया है। चंडमुंड कहता है, मैंने उसको ब्लू आईज हिप्नोटाइज किया है ताकि उसको लड़कियों की आंतरिक सुंदरता दिखे, और अगर तुम्हें उसका हिप्नोसिस तोड़ना है तो तुम्हें उसे कुछ शब्द कहने पड़ेंगे, जिन्हें सुनकर वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी तरफ हम उन दोनों को एक साथ देखते हैं, जहाँ रोजमेरी उसे बताती है कि वो 14 महीनों के लिए बाहर जा रही है, जिसे सुनकर भड़वे की सुलग जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि रोजमेरी उसके साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन तभी वो होता है जो कि नहीं होना था, यानी कि एक बार फिर से रोजमेरी के वजन से सोफा चौपट हो जाता है। भड़वा गुस्से में काउंटर पर कंप्लेन करने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसके पास उसके दोस्त बैकबोन की कॉल आती है, जिसमें वो उस पर चंडमुंड के बताए हुए शब्दों का यूज करता है। मेरे महबूब, कयामत होगी आज, रुसवा तेरी गलियों में नफरत होगी, नाम निकलेगा उसका ही लब से, बहनचोद बहनचोद बहनचोद, जान जब उस दिले नाकाम से रुखसत होगी। और ये सुनते ही भड़वे बैंगन की आंखों पर लगा हुआ पर्दा हट जाता है। वो रेस्टोरेंट में रोज को ढूंढने लगता है, जो कि अपनी सीट पर ही बैठी थी। वो काउंटर वाली से पूछता है कि वो जिस लड़की के साथ आया था वो कहाँ है। वो कहती है, सर वहीं पर ही तो बैठी है। भड़वा रोजमेरी की तरफ बढ़ता है उसका चेहरा देखने के लिए, तभी वहाँ उसका दोस्त बैकबोन पहुँच जाता है और उसे वहाँ से जबरदस्ती उठाकर बाहर ले आता है, और जो
कुछ भी उसकी आंखों पर पर्दा लगने की वजह से हुआ था वो उसे सब बता देता है, लेकिन उसको उसकी बात पर झाट भी यकीन नहीं होता। तभी अचानक से उसको दत्तो रानी मिलती है जो कि उससे पूछती है, हे तुमने कॉल नहीं की? बैंगन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? दत्तो कहती है, मैं हूँ दत्तो रानी, हमने उस दिन कैब शेयर की थी और तुमने मुझसे मेरा नंबर मांगा था। जिसके बाद वो उसे पहचान जाता है और उसे गले से लगा लेता है। आगे उसके दिमाग का भांग भोसड़ा एक हो गया था तो वो रोजमेरी को बिना बताए ही घर आ जाता है और वापस से ब्लू आईज हिप्नोटाइज होना चाहता है क्योंकि उसे अब रोजमेरी मार्लो से प्यार हो गया था। कुछ ही दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इन बीते दिनों वो बिल्कुल भी रोजमेरी से बात नहीं करता और वापस से चंडमुंड को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देश के बाहर गया हुआ था। आगे एक रात बिल उसके पास आती है और उसे अपने साथ डिनर पर ले जाना चाहती है क्योंकि उसकी फुकी पड़ी थी और अब वो भड़वे बैंगन को अपना बनाना चाहती थी, इसीलिए वो जबरदस्ती उसे होटल ले जाती है जहाँ डिनर करते वक्त वो उसका हाथ पकड़ लेती है। और इसी बीच भड़वे बैंगन को एहसास होता है कि वो रोजमेरी मार्लो से सचमुच प्यार करने लगा है क्योंकि उसे बिल के द्वारा उसका हाथ पकड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी वही होता है जो नहीं होना था, रोजमेरी मार्लो और उसकी फैमिली भी उसी होटल में डिनर करने आ जाती है जहाँ वॉशरूम जाते वक्त रोजमेरी भड़वे को किसी दूसरी लड़की के साथ हाथ पकड़े हुए बैठे देखती है जिससे उसकी फीलिंग्स की तो गांड ही मर जाती है। आगे भड़वा बैंगन उसके बगल से ही गुजरता है लेकिन वो रोजमेरी को पहचान नहीं पाता जिससे रोजमेरी और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और होटल के बाहर आकर रोने लगती है। दरअसल भड़वा बैंगन वहाँ रोजमेरी को ही कॉल करने के लिए गया था। रोजमेरी फोन पिक करती है जिस पर वो कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अभी देखना चाहता हूँ। ये सुनते ही रोजमेरी की सुलग जाती है और वो उसे चूतिया पागल बावली गांड बोलकर ब्रेकअप कर लेती है। आगे कई दिन और ऐसे ही गुजर जाते हैं लेकिन भड़वे बैंगन से रहा नहीं जाता तो वो हॉस्पिटल पहुंचता है क्योंकि उसे लगता था कि रोज उसे यहीं बच्चों के साथ मिलेगी, लेकिन तभी उसे कैंडेस मिलती है जिसका चेहरा जला हुआ है और ये वही बच्ची है जिसको वो पिछली बार यहाँ आया था तो उसे अपनी गोद में खिला रहा था, लेकिन हिप्नोसिस की वजह से उसे कैंडेस का चेहरा जला हुआ नहीं दिखा था। भड़वा इमोशनल सा हो जाता है और उस बच्ची को अपने गले से लगा लेता है क्योंकि अब उसका दुनिया को देखने का नजरिया बदल चुका था। आगे वो फटाफट रोजमेरी के घर पहुंचता है लेकिन उसे पता नहीं था कि रोजमेरी कैसी दिखती है, इसीलिए वो घर की मोटी मेड को ही अपने लपेटे में ले लेता है। तभी वहाँ पर रोजमेरी की मोम आती है और वो कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? भड़वा कहता है, मैं आपकी बेटी से माफी मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। मोम कहती है, वो मेरी बेटी नहीं है, वो तुम्हें बाहर ग्राउंड पार्टी में मिलेगी। जहाँ पर वो उसे खूब ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। फिर वो देखता है कि एक मोटी लड़की उसकी तरफ पिछवाड़ा करके खड़ी है। वो उसके पास जाता है और कहता है, मेरी जान मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। रोजमेरी उस पर काफी गुस्सा होती है उसके साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए, लेकिन वो दिल ही दिल बैंगन से बहुत प्यार भी करती थी, इसीलिए वो दोबारा से उससे पट जाती है और वो दोनों किस करते हैं। किस के बाद वो उस ट्रक को अपनी बाहों में भरने की कोशिश करता है लेकिन आपको तो पता ही है ट्रक कभी किसी से उठा है, इसीलिए वो हार मान जाता है। फिर रोजमेरी उसे अपनी गोदी में उठाती है और गाड़ी तक ले जाती है जहाँ सभी लोग उन दोनों के लिए काफी खुश थे, जिसके साथ ही ये खूबसूरत कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मेरा एक सवाल है आप लोगों से, अगर आपको भी कोई वैसा ही चंडमुंड मिले जो आपको ब्लू आईज हिप्नोटाइज कर दे जिससे आपको सारी लड़कियां दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां दिखने लगे, तो क्या आप हिप्नोटाइज होना चाहोगे? क्योंकि मैं तो होना चाहूंगा क्योंकि मुझे दूसरों की सोच से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और जो लड़की मेरे साथ होगी मेरी नजरों में वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होगी। हमें इस कहानी से काफी कुछ सीखने को मिलता है कि सिर्फ हम लड़के ही ऐसे नहीं हैं बल्कि लड़कियां भी ऐसी ही हैं। आज के टाइम पर उन्हें हैंडसम गोरे चिट्टे बॉडी बिल्डर सिक्स पैक्स एप्स वाले बड़े बड़े बैंक बैलेंस वाले बड़ी बड़ी गाड़ियां वाले लड़के पसंद आते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, यार दोस्त बनाते वक्त तो हम किसी की खूबसूरती नहीं देखते, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो काला हो गोरा हो सब चलता है, क्योंकि उस वक्त अगर कोई चीज मैटर करती है तो वो है उसके थॉट्स उसके विचार। लेकिन जब प्यार करने की बात आती है तब हमें कोई ऐसी बंदी या बंदा चाहिए जो कि साला देखने में हैंडसम हो या सेक्सी हो, तब हमें उनके विचारों की उनके थॉट्स की बिल्कुल भी नहीं पड़ी होती क्योंकि हमें तो कूल बनकर दिखाना होता है ना, और उसी चक्कर में हम बन जाते हैं फूल। तो प्यार भी सिर्फ उसी से करो जिसे आपकी परवाह हो, जिससे आपके विचार मिलते हो, क्योंकि ये जिंदगी की दौड़ है, यहाँ खूबसूरती लंबे समय तक नहीं टिक पाती। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।